चंद्रमा की धरती पर हिंदुस्तान की वो गहरी और अमिट छाप है जो रोवर प्रज्ञान के हर कदम के साथ नया अमर इतिहास लिख रही है। विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर की बुलंद रफ्तार का एक और वीडियो अपनी आंखों में कैद किया और उसे इसरो सेंटर तक पहुंचा दिया, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा लहराकर हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। तो चंद्रमा के जिस जमीन पर 23 अगस्त को विक्रम उतरा, उसे नाम मिला शिव शक्ति पॉइंट। इसका ऐलान पीएम ने इसरो मुख्यालय से किया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 के तहत विक्रम की लैंडिंग वाली जगह शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानी जाएगी। इसी तरह पीएम ने चंद्रयान मिशन और चंद्रमा को लेकर दो बड़े ऐलान किए, जिसमें चंद्रयान 2 को जिस जगह पर उतरना था उसे तिरंगा पॉइंट बताया। 4 साल पहले चंद्रयान 2 टच डाउन से एन पहले क्रैश हो गया था, संपर्क टूट गया था, मगर भारत का हौसला नहीं। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए भारत चंद्रयान 3 का इतिहास रच पाया। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचकर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की तपस्या को सलाम किया, देश की शान और मान बढ़ाने वाले इसरो के मिशन को सल्यूट किया। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। तो इधर चंद्रमा पर नामकरण पर राजनीति की सॉफ्ट लैंडिंग भी शुरू हुई। अब तक नेहरू को क्रेडिट देने की होड़ में जुटी कांग्रेस को शिव शक्ति और तिरंगा नाम अखर गए। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी की दलील ये है कि पीएम मोदी चंद्रमा के मालिक नहीं है, वो कैसे नाम रख सकते हैं? लेकिन इन दलीलों से कांग्रेस खुद ही गिर गई, क्योंकि 2008 में जिस जगह चंद्रयान पहुंचा था, उस जगह का नाम उस वक्त मनमोहन सरकार ने जवाहर पॉइंट रख दिया था। यह पहला मौका था जब चांद पर भारत ने अपनी धमक दिखाई थी। अब बीजेपी इतिहास के उन्हीं अध्यायों से कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। चंद्रमा के साउथ पोल पर शिव शक्ति नाम मिला तो मजहब की दलीलें भी मैदान में आ गई। अगर मगर के साथ मौलाना नाम पर आपत्ति जताने लगे। जो हमारे मुल्क के साइंटिस्टों ने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूँ ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है, और इसको इस तरीके से मंसूब करना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। चंद्रमा के अनजान रहस्यों से विक्रम और प्रज्ञान शिव शक्ति पॉइंट से पर्दा उठाएंगे और दुनिया जान पाएगी चंद्रमा के सीने में दफन राज क्या क्या। लेकिन जिस तरह नाम को लेकर मजहब के झंडा बरदारों ने फील्डिंग सजाई है, उससे हिंदुस्तान की राजनीति में दिलचस्प लड़ाई छिड़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।